हेलो एंड वेलकम टू इकोनॉमिक्स ऑन द मूव। लास्ट ईयर कोरोना वायरस की फर्स्ट वेव जब आई तो उस वेव में देखा गया कि सिक्योरिटी काउंसिल के पांचों कंट्री यानी यूएस, यूके, रशिया, चाइना, फ्रांस, अदर देन दैट इटली और स्पेन भी बहुत ज्यादा अफेक्टेड हुए। इसमें नंबर ऑफ केसेस भी बहुत ज्यादा आए थे और डेथ रेट की भी बहुत ज्यादा रिपोर्टिंग हुई। उस जमाने में ये बात होती रही कि क्या भारत में अगर ऐसी ही वेव हिट करती है तो भारत को कितना इफेक्ट पड़ेगा। हालांकि देखा गया कि साल गुजर गया, सेशन गुजर गया, लेकिन सरकारों ने इस पे बहुत ज्यादा कोई अपनी तरफ से बहुत विजिलेंस नहीं दिखाई और इस साल के जनवरी फरवरी में सरकार ने ये डिक्लेयर कर दिया कि हमने वेव पे विजय पा लिया है। लेकिन अप्रैल का जब सीजन स्टार्ट हुआ है, अप्रैल का जब मंथ स्टार्ट हुआ है, तो ट्विटर की एक रिपोर्ट के हिसाब से हर 24 सेकेंड पे 100 मैसेजेस आने शुरू हो गए थे। फेसबुक को ऊपर से नीचे तक अगर आप स्क्रॉल कर लीजिए तो हर तरफ आपको एक ही तरीके के मैसेजेस मिलेंगे कि कोई ऑक्सीजन सिलेंडर की रिक्वेस्ट कर रहा है, कोई रेमडेसिविर इंजेक्शन की रिक्वेस्ट कर रहा है, तो कोई मेडिसिन की रिक्वेस्ट कर रहा है। इन सारे मसलों को अगर देखा जाए तो ऐसा नहीं है कि ये चीज कोई ऑल ऑफ अ सडन आ गई। भारत सरकार के अपने जो एक्सपर्ट्स थे, अपनी जो कमेटी थी, उस कमेटी ने बार बार ये बात कहा है कि जैसे कि स्पैनिश फ्लू ने सेकेंड वेव बहुत बुरी तरीके से भारत को इफेक्ट किया था, उसी तरीके से ये COVID-19 की सेकेंड वेव ज्यादा बुरी तरीके से इफेक्ट करेगी एज कम्पेयर टू द फर्स्ट वेव। लेकिन नेग्लिजेंस बहुत बड़ा रहा जिसकी वजह से एक बहुत बड़े अमाउंट में ये लॉस फेस करना पड़ा। एक यहाँ पे बहुत बड़ा सवाल ये भी उठता है कि अगर भारत सरकार ने अगर तैयारी भी कर रखी होती है तो हमारा ये जो जुगाड़ू हेल्थ सिस्टम था, ये जुगाड़ू हेल्थ सिस्टम क्या इस वेव को फाइट कर सकती। इन सारे सवालों को समझने के लिए आज मेरे साथ बहुत ही खास मेहमान डॉक्टर नफीस फैजी सर हैं, जिनसे हम इस सारे मसले पे डिस्कशन करेंगे। सर ने अपना MBBS और MD जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से किया है, मास्टर ऑफ फिलोसफी इन पब्लिक हेल्थ मैनचेस्टर मेट्रोपॉलिटन यूनिवर्सिटी से किया है और ये पॉवर्टी एक्शन लैब जिसके लिए अभिजीत बैनर्जी को जाना जाता है उसके एलुमनाई भी रहे हैं। सर रिसर्च ट्रेनर के तौर पे एपिडेमियोलॉजिकल रिसर्च यूनिट ऑफ पब्लिक हेल्थ रिसर्च एंड असिस्टेंट सोसाइटी में वर्क किए हैं और करंटली इस वक्त ये असिस्टेंट प्रोफेसर हैं जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज पे। सर मैं शुरू करने से पहले आपका बहुत ज्यादा शुक्रगुजार हूँ। शुक्रगुजार इस वजह से हूँ बिकॉज ऑफ द रीजन कि आज के वक्त जब नंबर ऑफ केसेस थोड़ा सा फॉल कर गए हैं, यानी अगर अप्रैल के माह की हम बात करें तो उस वक्त जब केसेस भी बहुत ज्यादा थे, डेथ रेट भी बहुत ज्यादा थे, तो जो मेडिकल से जुड़े हुए लोग थे वो बिल्कुल फ्रंट लाइन पे थे, आप लोग बिल्कुल फ्रंट लाइन पे थे और इतने बिजी शेड्यूल के बाद भी अगर आपने हमको वक्त दिया है तो ऑब्वियसली वी आर वेरी थैंकफुल टू यू। तो सबसे पहले जब शुरू करते हैं सर, तो सबसे पहला सवाल मेरा यही है कि जब ये वेव चल रहा था और स्पेशली मैं अप्रैल की, जैसे जो मैंने इंट्रोडक्शन में बात कहा कि अप्रैल के माह की मैं बात करूं कि जब ये कोविड का जो पीक था ये तेजी से बढ़ना शुरू किया और हर तरफ ये डेथ की खबर आई और हमको पता है कि जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज में भी बहुत ज्यादा एक क्राइसिस देखी गई थी, नंबर ऑफ प्रोफेसर जिनकी डेथ हुई थी वो बहुत ज्यादा आई थी और एक तरीके से मैं ये कह सकता हूँ कि शायद हिंदुस्तान भर में अगर किसी यूनिवर्सिटी में सबसे ज्यादा प्रोफेसर की डेथ हुई तो मुझे जितना लगता है कि टीचिंग नॉन टीचिंग में वो AMU रही है। तो सबसे पहली जो चीज आपके दिमाग में आई या सबसे पहली जो चीज आप सोच रहे थे उस जमाने में वो क्या था इस पूरे मेडिकल हेल्थ सिस्टम को लेकर? देखिए, एक बात बहुत अलग है जो मैं हमेशा से इस पे हम काम करते रहे हैं कि हमारा जो पूरा सिस्टम है वो बहुत ही रिएक्टिव सिस्टम है। एक रिएक्टिव सिस्टम के साथ बड़ी परेशानी होती है कि वो सिस्टम आम दिनों में तो कुछ नहीं सोच रहा होता है, आम दिनों में तो जो जैसा चल रहा है वैसा चलता रहे और एकदम से किसी एपिसोड पे रिएक्ट करे। ऑल्दो ये बहुत रेडस एपिसोड था, उस पर रिएक्ट करना जरूरी है, लेकिन हेल्थ सिस्टम एपिसोडिक रिएक्शन अकेले अच्छा नहीं कर सकता। कोई भी हेल्थ सिस्टम अगर सही से एस्टैब्लिश नहीं है, अगर अपने सारे गोल्स को अचीव नहीं कर रहा है तो किसी एपिसोड पे बहुत अच्छा रिएक्ट नहीं कर सकता। हेल्थ सिस्टम जैसे कि हम जानते हैं कि 5 गोल होते हैं बेसिकली, अक्सर कोई लोगों को ये पता नहीं होता कि हेल्थ सिस्टम के 5 गोल होते हैं। एक क्वालिटी होती है कि भाई अच्छी क्वालिटी ऑफ केयर मिले, अच्छी लेवल ऑफ केयर मिले और इक्विटी हो उसमें कि मैं अगर गरीब हूं तो भी मुझे इतना ही लेवल ऑफ केयर मिल रहा है, मेरी जरूरत के हिसाब से केयर मिले, मेरे पास पैसा ज्यादा है तो मुझे ज्यादा केयर मिले ऐसा नहीं होना चाहिए, मुझे जितना केयर चाहिए उतना केयर मिले, जिसको हम हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल इक्विटी कहते हैं। तो क्वालिटी जिसमें इक्विटी भी आती है, एफिशिएंसी होनी चाहिए हेल्थ केयर में,
इकोनॉमिक प्रिंसिपल से, टेक्निकल एफिशिएंसी, ऑपरेशनल एफिशिएंसी, रिस्क प्रोटेक्शन होना चाहिए कि लोग गरीब ना हो जाएं हेल्थ केयर सीख करने में. इंडिया जैसा कि हम सब जानते हैं कि नेशनल हेल्थ पॉलिसी ने भी लिखा कि 56 मिलियन पीपल, नेशनल हेल्थ पॉलिसी लिखती है पिछले साल यानी उस टाइम 2016 में, बिलो पॉवर्टी लाइन चले गए या फर्दर बिलो पॉवर्टी लाइन चले गए सिर्फ हेल्थ केयर एक्सपेंसेस से. तो रिस्क प्रोटेक्शन, फिनेंशियल एज वेल एज सोशल, कई डिजीज में स्टिग्मा होता है, एक रेस्पॉन्सिवनेस होता है कितनी जल्दी रेस्पॉन्स करते हैं. लेकिन सबसे अलग एक प्रिंसिपल जिस पे कोई नहीं ध्यान देता है वो पांचवा गोल है और सबने सुना है, रेजिलियंस, कि आपका हेल्थ सिस्टम कितना रेजिलियंट है. अब रेजिलियंट का मतलब दो चीजों पे डिपेंडेंट है कि रेजिलियंस डिविडेंड निकालते हैं हम एक, और रेजिलियंस यकीन मानिए कि बहुत सारी सिस्टम रेजिलियंट नहीं है, अच्छी हेल्थ केयर सिस्टम्स भी, बट इंडिया की हेल्थ सिस्टम तो नहीं ही है. और अब हम लोगों ने, कुछ लोगों ने बात करना शुरू किया है, रेजिलियंस उस सिस्टम की एबिलिटी होती है कि गुड टाइम्स में कैसा परफॉर्म कर रही है और बैड टाइम्स में कैसा परफॉर्म कर रही है, ये दोनों वेरिएबल्स पे किस तरह से हम काम कर रहे हैं. तो ये एपिसोड और ये आम दिन, अब हमें अपने सिस्टम को समझना पड़ेगा. आम दिनों में हमारा सिस्टम करीब पोस्ट 1991 लिबरलाइजेशन के बहुत चीजों से उभर नहीं पाया है, जिसका एग्जाम्पल बहुत साफ है. आप 1996 से लेकर आज तक इंडिया का इन्फेंट मोर्टालिटी रेट नेपाल और बांग्लादेश से पीछे होता जा रहा है. आईएमआर नहीं, आईएमआर के घटने का रेट नेपाल और बांग्लादेश, और आप नेपाल जानते हैं कि इतने पिछले कुछ सालों में बहुत परेशानियों से गुजरा. 1996 से अगर आप परेशानियां देखें, उनका अर्थक्वेक बहुत डिवेस्टेटिंग था, वो एक हमसे इकोनॉमिक रैंकिंग में बहुत पीछे है कंट्री, उनकी गवर्नमेंट चेंज होती रही, किंगशिप गया, डेमोक्रेसी हर 9-10 महीने में चेंज हो रही, अभी भी क्राइसिस में. उसके बावजूद उनका जो बेसिक आईएमआर है, इन्फेंट मोर्टालिटी रेट, उसके घटने का रेट हमसे आज भी बेहतर है. बांग्लादेश तो हम भी मानते हैं कि सोशल डिविडेंड्स बहुत आगे. तो गुड टाइम्स में हमारे आउटकम्स अफेक्टेड हैं, हमारे लोग गरीब हो रहे हैं, हमारे लोगों के पास हेल्थ केयर नहीं है, प्राइवेट की तरफ जाने को मजबूर हैं, और प्राइवेट हेल्थ केयर अपने आप को चूज करता है कि हम किसको देखें और किसको नहीं देखें, हम कहां पर खोलें और हम कहां नहीं खोलें. इस तरह से हेल्थ सिस्टम नहीं चलता. सो जब एपिसोड आएगा, जब कोई पैंडेमिक आएगा, जब कोई क्राइसिस का स्टेट आएगा, तो वहां ये मार्केट फेलियर क्लियरली नजर आएगा, जो कोविड में हमें नजर आया. एक दूसरी बात मैं हमेशा करता हूं कि खैर वो पब्लिक प्राइवेट पे कभी डिस्कशन हो तो कर सकते हैं. जी, 1991 का सर आपने जिक्र किया एलपीजी पॉलिसी का, यानी हम लोग की वही ब्रांच है, यानी हम लोग पढ़ते आ रहे हैं और अपने सीनियर से सुनते आ रहे हैं, प्रोफेसर रहे हैं, कि 1991 ने भारत की अर्थव्यवस्था जो रही उसको पूरी तरीके से बदल दिया था. स्पेशली अगर हम आईटी सेक्टर वगैरह की बात करें तो वो जबरदस्त उसमें एक जंप देखने को मिला, और भी बहुत सारे सेक्टर्स ओवर द टाइम बहुत ज्यादा चेंज आए, पब्लिक की जो इनकम थी उसमें बहुत इंक्रीमेंट आया, और इम्पोर्टेंट सेक्टर जैसे बैंकिंग सेक्टर है उसमें भी काफी इंक्रीमेंट देखने को मिला. लेकिन ये तमाम चीजों के बाद आज के डेट में अगर हम बात करें हेल्थ सर्विसेज पे, तो इसमें दो चीजें, दो सवाल है मेरा. पहली बात तो ये है कि हेल्थ सर्विसेज पे भारत सरकार ने 91 के बाद इतना ज्यादा फोकस क्यों नहीं किया, हालांकि हम ये जानते हैं कि इसी हेल्थ सर्विसेज में डिस्टर्बेंस की वजह से आज एजुकेशन डिस्टर्ब है, आज सर्विस सेक्टर डिस्टर्ब है, और आज पूरी इकोनॉमी डिस्टर्ब है. मैं हेल्थ सर्विसेज में जब डिस्टर्ब की बात कर रहा हूँ तो मैं लॉकडाउन को बात एड अप करना चाह रहा हूँ. इस हेल्थ सर्विसेज में डिस्टर्ब होने के बाद मतलब ये है कि हमने प्रॉपरली कोविड को फाइट बैक नहीं किया, कोविड को प्रॉपरली संभाला नहीं, जिसकी वजह से पूरा कंट्री लॉकडाउन में चला गया, और जिसकी वजह से उसका जो रिपरकशन आया कि स्कूल कॉलेजेस बंद हो गए, इकोनॉमी एकदम ध्वस्त हो गई, और उसकी वजह से सर्विस सेक्टर बहुत बुरी तरीके से अफेक्ट हुआ. देखिए, मैं 1991 को एज लिबरलाइजेशन डायरेक्टली नहीं यूज करना चाह रहा था, लेकिन देखिए दो चीज बहुत साफ है. नंबर एक है कि हेल्थ सोशल डिटर्मिनेंट्स ऑफ हेल्थ होते हैं, है ना, हम ये नहीं और पैंडेमिक एक्सपोज करता है सोशल डिटर्मिनेंट्स ऑफ हेल्थ को. कोविड ने आपको, मुझे और मेरे मेरे ड्राइवर को, अगर अगर कहीं ड्राइवर थे, हमारे पास ड्राइवर नहीं है, मेरे ड्राइवर को, मेरे गांव के किसान को, अलग अलग तरह से इफेक्ट करता है. देयर इज अ डिफरेंशियल इंपैक्ट, और वो डिफरेंशियल इंपैक्ट सोशल डिटर्मिनेंट्स की वजह से होता है. सोशल डिटर्मिनेंट्स ऑफ हेल्थ पे काम पोस्ट 1991 काफी घट गया, अलावा उस प्रोग्राम्स के
जो कि बीच बीच में आते रहे, जैसे MNREGA। आज MNREGA जबकि सारे लोगों ने बुराई की लिबरल मार्केट वालों ने, बट आज की डेट में वो सेवियर की तरह काम कर रहा है और उसको स्ट्रॉन्ग करने की जरूरत है। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि पोस्ट लिबरलाइजेशन ये मार्केट में जो बिलीफ सिस्टम बढ़ा, मेरा हमेशा से ये मानना है और ज्यादातर इकोनॉमिस्ट इन द वर्ल्ड अब ये अपनी आंखों से, खुली आंखों से देख चुके हैं, हेल्थ में मार्केट्स फेल कर जाते हैं बिकॉज हेल्थ जीन्स नहीं है कि आप शॉप पे गए और आपने चूज कर लिया कौन सा जीन्स लेना है, लिवाइज का जीन्स लेना है या ली का जीन्स लेना है, क्योंकि कपड़ा आप देख सकते हैं, उसको आप खोल सकते हैं। बहुत बहुत सालों पहले केनेथ एरो, अब तो उनकी डेथ हो गई, बट केनेथ एरो ने इसको कहा था कि हेल्थ मार्केट अगर देखा जाए मार्केट की तरह तो उसमें एसिमेट्रिसिटी ऑफ इंफॉर्मेशन बहुत ज्यादा है। एसिमेट्री ऑफ सिटी ऑफ इंफॉर्मेशन इतनी ज्यादा है कि कोई भी डॉक्टर आपको एग्जैक्टली आपकी सारी चीजें बता ही नहीं सकता, और आपके सामने अगर वो सारे चॉइसेस रख भी दें तो कई बार आपको इन्फॉर्म्ड चॉइस बनाने के लिए भी उससे बहुत इंफॉर्मेशन चाहिए। नाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड कि ये मार्केट नहीं है, ये मार्केट के प्रिंसिपल्स यहाँ अप्लाई हो ही नहीं सकते। बट हमने क्या किया, आज देखिए कि हमारी क्राइसिस इतनी ज्यादा बढ़ी। सो एक रीजन ये है कि पोस्ट 1991 सोशल डिटर्मिनेंट्स ऑफ हेल्थ पुअरर होते चले गए, इनइक्वालिटी बढ़ती चली गई। इनइक्वालिटी इंडेक्स पे थॉमस पिकेटी का पूरा काम है, इट्स फ्रीली अवेलेबल, अगर आप डेटा देखें इंडिया में जितनी तेजी से इनइक्वालिटी बढ़ी है, खासकर 3-4 साल बाद 1991 के, वो ग्राफ बिल्कुल यूं है, अगर मैं आपको ग्राफ कभी दिखा पाता। तो इनइक्वालिटी बढ़ने से डिटर्मिनेंट्स खराब हुए हैं, ये एक बात है। दूसरा, हेल्थ सिस्टम में कंटिन्यूअसली पुअर इन्वेस्टमेंट हुआ है, पब्लिक इन्वेस्टमेंट इन हेल्थ कंटिन्यूअसली पुअर हुआ है। तो ये हम लोगों ने जानबूझ के अपनी पब्लिक हेल्थ सिस्टम को कमजोर किया है, और आज नहीं तो कल वो बहुत बुरी तरीके से एक्सपोज होना था और हो रहा है। सर, आपने यहाँ पे जब पोस्ट लिबरलाइजेशन का जिक्र किया तो इसमें एक सवाल मेरे दिमाग में ये आता है कि पोस्ट लिबरलाइजेशन में जब मार्केट ओपन हुई तो ऑब्वियस सी बात है कि ग्लोबल जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस था उनका इन्वेस्टमेंट भी भारत के अंदर बढ़ा, और जो सामाजिक संस्थानें थी जो कि दुनिया के लेवल पे काम कर रही है, जैसे अगर मैं WHO की बात करूं तो उनका इन्वेस्टमेंट भी तो भारत में बढ़ा होगा, और अगर उनका इन्वेस्टमेंट बढ़ा है तो किसी ना किसी फॉर्म में तो उसका पॉजिटिव इंपैक्ट तो पिछले 3 decades में दिखना चाहिए। देखिए, पॉजिटिव इंपैक्ट है, पोलियो हम लोगों ने, पोलियो उन्मुक्त हो गए, और ये जो जितने छोटे छोटे स्ट्रेटेजिक और टारगेटेड अचीवमेंट्स हैं वो हैं, वो काफी हैं, उसमें कोई बुराई नहीं। बट इन हेल्थ इन जनरल की जब हम बात करें, और ये हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल का भी खेल है कि पोस्ट लिबरलाइजेशन कॉस्ट इफेक्टिवनेस की बड़ी बातें होने लगी, जो फिस्कल पॉलिसी है इंडिया की वो बाहर से भी मॉनिटर होने लगी कि भाई हमने आपको डेब्ट के टाइम में हेल्प किया है तो अब आप ऐसा करिए कि पैसे खराब मत करिए। आप 1993-94 में वर्ल्ड बैंक ने एक रिपोर्ट निकाली बहुत बड़ी, इन्वेस्टमेंट्स इन हेल्थ करके, और वो बाइबल की तरह पढ़ाया जाता है MBA स्कूल्स में, कई जगह MPH स्कूल्स में, और उसमें बाकायदा एक लाइन है ब्लू बॉक्स के अंदर कि लोग अगर पानी अफोर्ड कर सकते हैं तो आप पानी पे इतना खर्च क्यों कर रहे हैं, वहां पे तो कॉस्ट, और वो पैसे देने को तैयार है। सो ये एक प्रिंसिपल समझना पड़ेगा हमें, और मैं हेल्थ इन जनरल की बार बार बात कर रहा हूँ कि लोग अगर पानी अफोर्ड कर भी सकते हैं और पे कर भी सकते हैं तो उसे देना क्यों है, उससे फायदा क्या हो रहा है। नंबर टू, अभी जो आप पिछले 5-7 साल में देखेंगे, खास करिए यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज का जो बूम आया, यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज एक बहुत बड़ा वो है प्रिंसिपल जिसमें ज्यादातर कंट्रीज टूवर्ड्स मार्केट जा रही है, ज्यादातर हमारी जैसी कंट्रीज की है ना, इंश्योरेंस आप दे दें लोग तो हेल्थ केयर ले ही लेंगे, और हम कहीं ना कहीं गवर्नमेंट जो है वो रेगुलेटरी कैप्चर करवाने को तैयार है, एंड फिर हम यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज की बहुत सारे प्रिंसिपल से जो बात कर सकते हैं। बट यस, पोस्ट 1991 अचीवमेंट्स हुए हैं, बट वो बहुत वर्टिकल और टारगेटेड हुए हैं। जनरल हॉरिजॉन्टल हेल्थ केयर की बात की जाए तो उसमें डिवाइड बढ़ गया है। हाँ, टर्शरी केयर में हम बहुत ज्यादा अच्छी अच्छी चीजें कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल कार्डियक ट्रांसप्लांट जितने हो रहे हैं, टॉप कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स जो अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन वो उसका रीच बहुत लिमिटेड है, और पब्लिक हेल्थ के जनरल एंगल से वो डिवाइड काफी बड़ा है। हम लोग कभी कभी सोचते हैं कि जैसे ही एक्सेलेंस का काम होने लगता है, नई नई चीजें होने लगती हैं, तो हेल्थ सिस्टम का ग्राफ ऐसे बढ़ता है, लेकिन पॉल फार्मर और लोगों ने काम किया है इस पे बहुत ज्यादा कि वाइल वो बढ़ता है
बाकी हेल्थ केयर अगर खराब होने लगता है तो ये सोचने का टाइम है कि इसका बैलेंस कैसे क्रिएट होगा। और यहाँ गवर्नमेंट प्रोवाइडेड हेल्थ केयर की बहुत ज्यादा अहमियत बढ़ जाती है। जो जो एग्जाम्पल पहले भी दिया जाता था कि अगर IITs अच्छे इंस्टीट्यूशन थे तो उस टाइम खुलने वाले प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस बिट्स पिलानी BIT मेसरा को भी अच्छा होना पड़ता। बट आज की डेट में अगर आप गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस को बहुत कमजोर कर देंगे और सिर्फ प्राइवेट बचेंगे तो सारे स्टैंडर्ड्स वो सेट नहीं कर सकते फ्रॉम सोशल प्रिंसिपल्स। लास्ट क्वेश्चन मेरा WHO से ही रिलेटेड है। जैसे आपने पोलियो इरेडिकेशन स्कीम की बात की, लास्ट ईयर जैसे मैंने स्टार्टिंग में ये बात कहा कि जिस तरीके से फर्स्ट वेव ने जो डेवलप्ड इकोनॉमीज है उसको हिट किया, इंडिया बचा रह गया था। और ये बहुत सारा डिस्कशन उस जमाने में मैं देख रहा था कि सोशल मीडिया और अदर प्लेटफॉर्म पे हो रहा था कि अगर भारत में ऐसा कोई वेव आई तो क्या होगा। तो एक चीज को मैं ये जानना चाह रहा था कि क्या WHO पैंडेमिक के पॉइंट ऑफ व्यू से, मतलब इस ऐसे पैंडेमिक के पॉइंट ऑफ व्यू से, इसका कोई बहुत मैसिव इन्वेस्टमेंट नहीं है इंडिया जैसे डेवलपिंग इकोनॉमीज के लिए कि हम पहले से तैयार हैं, अगर सेकंड वेव आप यहाँ हिट कर रहे हैं तो हम आपको इतने अमाउंट में ये सारी चीजें सप्लाई करने के लिए तैयार है। देखिए WHO का कॉन्ट्रीब्यूशन, उसकी जिस तरह की पूरी सेटअप है उसके हिसाब से बहुत ज्यादा है। बट बिफोर आई इवन स्टार्ट टॉकिंग ऑन WHO, देयर टू थिंग्स जो कि बहुत जरूरी है जानना, क्योंकि वो यूजुअली डिस्कशन में हम नहीं लेते। आपको ये जानना पड़ेगा कि इंडिया टॉप 10 बिगेस्ट इकोनॉमीज ऑफ द ग्रोइंग इकोनॉमीज ऑफ द वर्ल्ड में, तो आप WHO से किस तरह की उम्मीदें रख रहे हैं? आप उनसे इन्वेस्टमेंट की उम्मीदें रख रहे हैं या टेक्निकल हेल्प की यूज कर रहे हैं? टेक्निकल हेल्प में WHO एक कदम भी पीछे नहीं है, बट टेक्निकल हेल्प के साथ आप उनसे अगर पैसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो ये कुछ ठीक नहीं है। क्यों? क्योंकि आप जिस लेवल की कंट्री एग्जिस्ट कर रहे हैं उस लेवल का इन्वेस्टमेंट आपका WHO में नहीं है। और ये बात हम लोगों ने 2018 में जब हम जनीवा में थे और प्रोफेसर अमित सेन गुप्ता, लेट डॉक्टर अमित सेन गुप्ता हमारे मेंटर और जिनकी डेथ हो गई, बिग पब्लिक एक्सपर्ट, हम लोगों ने ये रिक्वेस्ट रखा था और ये बात बोला था कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को जो कंट्रीज लाइक ब्राजील, रशिया, चाइना, ये जो ब्रिक्स कंट्रीज है साउथ अफ्रीका, ये लोग अब 1950s की तरह नहीं है, वी आर बिग इकोनॉमीज नाउ, हम लोग अपना इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं बढ़ा रहे हैं WHO में? WHO अपनी इंस्टीट्यूशन है, हर कंट्री का एक वोट है, अनलाइक यूएन, तो ये एक डेमोक्रेटिक वोट सिस्टम है और हम लोग अपनी कॉन्ट्रीब्यूशन क्यों नहीं बढ़ा रहे? और हम कॉन्ट्रीब्यूशन कह रहे हैं कंट्री कॉन्ट्रीब्यूशन की, जो कि बिल्कुल लिमिटेड होती है। कंट्रीज ने अपोज किया इसे, और किन कंट्रीज ने किया? यूनाइटेड स्टेट्स ने। हालांकि और दो कंट्रीब्यूशन होती है WHO को, बाय द वे, एक कंट्रीब्यूशन होती है जो कंट्रीज से आती है, एक वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन होती है। वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन कोई भी कर सकता है, जैसे गेट्स फाउंडेशन। US वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन कंट्री कंट्रीब्यूशन से ज्यादा करती है। क्यों? क्योंकि वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन करने पे आप उसको टाई अप कर सकते हैं कि हम जो अपना पैसा दे रहे हैं वो ऑन दिस पर्टिकुलर प्रोग्राम या इस पर्टिकुलर सेक्टर में लगेगा। जबकि ये कंट्री बेस्ड कंट्रीब्यूशन जो है वो बिल्कुल पार्लियामेंट की तरह काम करता है कि ये WHO की प्रायोरिटीज है, उसके हिसाब से खर्च होगा। मेरे सामने डॉक्टर टेड्रोस ने कई बार कहा कि कंट्रीब्यूशन बढ़ाइए या नहीं बढ़ाइए, टाई अप मत करिए, उससे प्रायोरिटीज का प्रॉब्लम होता है। आज जो आप सारी इफेक्ट्स देख रहे हैं कि क्यों पोलियो में इतना पैसा लगा, जो कि ठीक था, बट यू हैव टू अंडरस्टैंड द सिस्टम कि WHO इस तरह से वर्क करता है। एट द वेरी सेम टाइम इंडिया अगर अभी अपना WHO का कॉन्ट्रीब्यूशन दोगुना भी बढ़ा दे तो उसके GDP पे रत्ती भर का फर्क नहीं आएगा, हम इकोनॉमिकली काफी आगे हैं। हमें इस बात को समझना पड़ेगा, और ये बहुत सारी अफ्रीकन कंट्रीज के लिए भी है। फॉर कंट्रीज लाइक नाइजीरिया, आप ज्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं, वन ऑफ द रिचेस्ट कंट्रीज इन अफ्रीका चल रहे हैं आप, तो ये भी कुछ सिस्टमिक प्रिंसिपल्स हैं। सर आपने ब्रिक्स का भी जिक्र कर दिया और GDP का भी जिक्र कर दिया, तो मैं देख रहा था कि जब हम ब्रिक्स के कंट्रीज में भारत का बाकी देशों से कंपैरिजन करते हैं तो ब्राजील आज के टाइम में तकरीबन 9.5% GDP का इन्वेस्ट करता है मेडिकल केयर में, साउथ अफ्रीका 8.1 करता है, रशिया 5.3 करता है, चाइना भी तकरीबन 5% के आसपास करता है। तो और ऑन दी अदर हैंड अगर हम देखें तो इन सारे मेंबर कंट्रीज में भारत एक तेजी से डेवलप करती हुई इकोनॉमी है। ऑल्दो इकोनॉमिस्ट का एक बड़ा ग्रुप है जो ये बात कहता है कि जो दौर 2008 और 9 में भारत ने देखा था इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक प्रोग्रेस वो शायद अब उतना नहीं है। तो खैर जो मेन सवाल मेरा था वो यही था कि इन सारे मेंबर कंट्रीज के मुकाबले भारत इतना ज्यादा इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं करता है, मतलब उसको
क्यों ये लगता है कि बस 1 से 1.5% इन्वेस्टमेंट कर ले, दैट इज एनफ फॉर आवर कंट्री? ब्रिक्स तो क्या ब्रिक्स के नीचे के रैंकिंग की कंट्रीज में भी इंडिया बहुत नीचे इन्वेस्ट कर रहा है, और ये एक बड़ी परेशानी का टाइम है, मतलब परेशानी का विषय है, और सभी लोग इस पे बोलते रहे हैं कि भाई जीडीपी इन्वेस्टमेंट एक्सेप्टेबल नहीं है। इनफैक्ट जब आप नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2017 गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट खोलेंगे तो उसमें एक जगह उन्होंने लिखा है कि हमारे पास अब फिस्कल स्पेस है, हमारे पास अब फिस्कल स्पेस एग्जिस्ट करता है जिससे हम ये कैटास्ट्रोफिक एक्सपेंडिचर को कम कर सकते हैं, हम अपने हेल्थ सिस्टम को ठीक कर सकते हैं। 2017 के बाद आप बेहतर जानते होंगे कि इकोनॉमिक ग्रोथ और स्लो हुई है, लेकिन कंट्री खुद कह रही है कि उनके पास फिस्कल स्पेस है, उसके बावजूद वो अचीव नहीं हुआ। सो नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2002 में आई थी, वाजपेयी जी उस टाइम के टाइम में आई थी, और उन्होंने कहा था कि हम जो है साहब 2% से 2.5% जीडीपी अचीव कर लेंगे। वाजपेयी जी चले गए, मनमोहन सिंह 2 बार आए, मोदी जी 1 बार चले गए, दूसरी बार हो गई, आज तक अचीव नहीं हुआ, हम सब जानते हैं। अब इनका ये कहना है कि हम 2025 तक 2.5% जीडीपी अचीव करेंगे, लेकिन पर ईयर जो इंक्रीज होनी चाहिए उसको पहुंचने के लिए वो नहीं हो रही। तो जीडीपी इन्वेस्टमेंट एक चीज है, बट दूसरी चीज उससे भी जरूरी ये है जानना कि क्या जीडीपी इन्वेस्टमेंट अपने आप बढ़ जाने से सब कुछ हो जाएगा। क्योंकि आज से कुछ साल पहले जब जेपी नड्डा जी हेल्थ मिनिस्टर थे तो उन्होंने उत्तर प्रदेश में, और ये आपको न्यूज़पेपर कवरिंग्स में मिल जाएगा, उन्होंने एक बात कही कि यूपी में एनआरएचएम के फंड्स और सारे फंड्स मिलाकर 5500 करोड़ रुपए अनयूटिलाइज्ड है, 5500 करोड़ अनयूटिलाइज्ड है। तो अब इस बात को ये समझने की जरूरत है कि ये जो जीडीपी का इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा ये जाएगा किधर। क्या आपका हेल्थ सिस्टम का आर्किटेक्चर इतना स्ट्रांग है कि जहां जरूरत हो वहां पैसे लगे? अब आप और हम दोनों उत्तर प्रदेश में बैठे हैं, हम जानते हैं कि वन ऑफ द पुअरेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर उत्तर प्रदेश में, हमारा पॉपुलेशन बहुत बड़ा है, हमें सेंट्रल गवर्नमेंट से भी मदद की जरूरत है, और हमारे पीएचसी सीएचसी की हालत बहुत ठीक नहीं है, पब्लिक हेल्थ सिस्टम बहुत बहुत खराब है, सारे एपिसोड्स हम देख चुके हैं कोविड के टाइम में। अब ऐसे टाइम में अगर हम यूज नहीं कर पा रहे हैं पैसा तो ये बहुत बड़ा टेंशन का टाइम है, और ऐसे में अगर पैसा बढ़ा भी दें जीडीपी तो वो जाएगा किधर, और उसका सोल्यूशन पहले ही निकाला जा चुका है, हेल्थ इंश्योरेंस। लोगों को ये लग रहा है कि हेल्थ इंश्योरेंस में पैसा बढ़ाने से हेल्थ केयर ठीक हो जाएगा, हेल्थ केयर का जो बेसिक मुद्दा है वो अफेक्ट ही नहीं हो रहा है। हालांकि जब पीएम जे अनाउंस हुआ था जन आरोग्य योजना, तो उसमें 2 चीजें थी, एक तो आयुष्मान भारत स्कीम कि अगर आपको ऐसी ऐसी बीमारियां हुई हॉस्पिटलाइजेशन में तो इंश्योरेंस मिलेगा, कितना क्या वो हम बाद में डिस्कस कर सकते हैं, और दूसरा उन्होंने कहा था कि हम हेल्थ सिस्टम को चेंज करेंगे और सब सेंटर्स की जगह हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स बनाएंगे। ये जो दूसरा स्कीम है उसमें ज्यादा पैसे लगने थे, लेकिन आप याद करें बजट के स्पीचेस, अरुण जेटली उस टाइम लेट अरुण जेटली थे और ये सारा कुछ बन रहा था, सारा फोकस इंश्योरेंस स्कीम्स पे था, बिकॉज ये टोटल कॉर्पोरेट कैप्चर बहुत अजीब है। आज आप देख लीजिए ऑक्सीजन सिलेंडर्स के लिए हु आर द स्पोक्स पर्सन और हु आर द पीपल इन द टास्क फोर्स, नन ऑफ देम आर फ्रॉम पब्लिक हेल्थ। देवी शेट्टी, नरेश त्रेहान, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, वो अपना काम बहुत अच्छा करते हैं, इफ इट वॉज अबाउट मार्केटाइजेशन ऑफ हेल्थ बहुत अच्छी बात है, बट कोर पब्लिक हेल्थ सब सेंटर्स की इतनी बुरी हालत है, प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स की इतनी बुरी हालत है, आज की डेट में हमने ये कहा कि ऑक्सीजन लेकर घर चले जाओ। लोग ऑक्सीजन लेकर घर में केयर कर रहे हैं, ऑक्सीजन लेकर घर में केयर करना सपनों में नहीं आएगा किसी हेल्थ सिस्टम के, बिकॉज ऑक्सीजन लगाना एक कॉम्प्लिकेटेड प्रोसीजर है, उसका फ्लो रेट मेंटेन करना, और अगर फ्लो रेट खराब हुई तो फॉरन इंटरवेंशन चाहिए जो घर पे नहीं मिल सकता। अगर यही इंटरवेंशन हम प्राइमरी हेल्थ सेंटर में कर देते और कर पाते, हमारे प्राइमरी हेल्थ सेंटर में कुछ ठीक होती और हम इमरजेंसी में कोविड की वजह से ऑक्सीजन का वहां इंतजाम कर देते तो ये रेस्पॉन्स कितना मैसिव होता, हमारी बड़ी हॉस्पिटल्स पे इतनी भीड़ नहीं होती, वहां उनको केयर दिया जाता जो सीवियर है, मॉडरेट को हम लोग पीएचसी सीएचसी में डील कर पाते, माइल्ड को हम लोग सब सेंटर में डील कर पाते। सिस्टम्स हमारे यहाँ पेपर पे एग्जिस्ट कर रहे हैं, हम उस सिस्टम्स को डिलिबरेटली नेग्लेक्ट कर रहे हैं, उनको इतना कमजोर कर दे रहे हैं कि उनकी एब्जॉर्प्टिव कैपेसिटी भी नहीं बच रही है। तो ये एक बेसिक प्रिंसिपल है, हमें ये सवाल पूछना चाहिए जीडीपी क्यों नहीं बढ़ रहा है, बट हमें ये भी जानने की जरूरत है कि जीडीपी किधर इन्वेस्ट हो रहा है, और हम इन फैंसी कॉर्पोरेट हॉस्पिटलाइजेशन को सिर्फ ना देखें और अपनी कोर हेल्थ सिस्टम पे भी मजबूती से काम करें, इसकी बहुत जरूरत है। जी सर, आपने यूपी के हेल्थ सिस्टम की बात की, लेकिन मैं जब देख रहा था इस सारी क्राइसिस में दो जगहों का हेल्थ सिस्टम की बार बार जिक्र हुआ कि देयर परफॉर्मेंस वाज बेटर फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, केरला और तमिलनाडु, कि केरला और तमिलनाडु का जो
जो हेल्थ केयर सिस्टम है, उनकी जो अपनी जो हॉस्पिटल्स हैं, वो तमाम चीजें हैं, वो बहुत हद तक बेहतर परफॉर्म की नॉर्थन पार्ट ऑफ इंडिया, नॉर्थन पार्ट ऑफ इंडिया नहीं कहना चाहिए बल्कि मैं कहूँ तो पूरे हिंदुस्तान से ज्यादा बेहतर। तो क्या कोई खास वजह है कि केरला और तमिलनाडु का वहाँ पे जो हेल्थ केयर सिस्टम है वो बेहतर परफॉर्म करता है? इसमें एक वजह क्या मैं ये मानूँ कि वहाँ की जो राज्य सरकारें हैं वो ज्यादा रिस्पॉन्सिबल है हेल्थ केयर सिस्टम को लेके, या फिर वहाँ पे जो फिलेंथ्रोपिक एटीट्यूड ज्यादा माना जाए? देखिए, पहली बात तो ये कि इन प्रिंसिपल मैं फिलैंथ्रोपी के खिलाफ हूँ। गवर्नमेंट का काम फिलैंथ्रोपी नहीं है और फिलैंथ्रोपी से सिस्टम्स चेंज नहीं होती, उनका अपना ड्यू शेयर है इंडिविजुअल सर्कमस्टेंसेस में। दूसरी बात कि बिफोर वी एक्चुअली कम टू द गवर्नमेंट, कि तमिलनाडु और केरला की इसी गवर्नमेंट ने ऐसा काम किया है, कोई भी गवर्नमेंट को काम करने के लिए एक एग्जिस्टिंग प्राइमरी हेल्थ केयर सिस्टम चाहिए, वो इनके पास था तभी ये कर पाए। पहला सवाल ये है। तो अगर हम चाहें भी कि उत्तर प्रदेश में आज की गवर्नमेंट सब कुछ चेंज कर दे, नहीं कर सकती, क्योंकि ये इसीलिए मैं पहले भी बोल रहा था कि रेजिलियंस डिविडेंड जिसकी बात मैं कर रहा था, उसके लिए ये जरूरी है कि आप दो तरह के इन्वेस्टमेंट्स करना शुरू करें, एक तो स्लो वेरिएबल्स पे और एक फास्ट वेरिएबल्स पे। स्लो वेरिएबल्स कहते हैं जब हम हेल्थ वर्कर ट्रेनिंग की बात करते हैं कि भाई पैंडेमिक के लिए ट्रेन करिए, एपिडेमियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन करने के लिए ट्रेन करिए, हेल्थ वर्कर्स को इन सब चीजों के लिए ट्रेनिंग दी जाए कि ऑक्सीजन कैसे लगाते हैं, एमबीबीएस लेवल पे ट्रेनिंग। तो ये तो स्लो वेरिएबल्स, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाना, हमें 3 किलोमीटर से आगे किसी भी इंसान को ना जाना पड़े पहला हेल्थ पॉइंट हेल्थ कॉन्टैक्ट के लिए, है ना, हमें पैसों से नहीं पे करना पड़े हेल्थ सिस्टम में, हम ये आउट ऑफ पॉकेट मॉडल से निकलें। कहीं दुनिया की सबसे खराब मॉडल है आउट ऑफ पॉकेट हेल्थ केयर एक्सपेंडिचर मॉडल, जो अनफॉर्चुनेटली इंडिया में फॉलो हो रहा है। तो इससे हम बात, ये सब स्लो वेरिएबल्स हैं, इन वेरिएबल्स पे अगर हम आज खर्च करेंगे तो फॉरेन इफेक्ट नहीं नजर आएगा, बट इन स्लो वेरिएबल्स पे तमिलनाडु ने और केरला ने खर्च किया है और इसका फायदा मिल रहा है। हम क्या कर रहे हैं बार बार, और हम अगर अभी भी बहुत अच्छा काम करेंगे, और मुझे यही परेशानी है जिसको मैं पहले भी जिक्र करता हूँ कि ये कोरोना नॉइस और एपिसोडिक नॉइस में हम क्या करेंगे कि हम क्विक इनिशिएटिव्स की बात करते हैं सिर्फ, है ना, कि ऑक्सीजन नहीं है ऑक्सीजन ले आओ जल्दी से, ये आइसोलेशन और क्वारंटीन में लोगों के साथ परेशानी होती है उसको डील कर लो जल्दी से, और अभी जो है इतने वेंटिलेटर्स की डिमांड है, ये फास्ट वेरिएबल्स हैं। ये फास्ट वेरिएबल्स कोविड के बाद फिर कुछ ऐसा ना हो लेकिन तब तो काम आएंगे, लेकिन बिना स्लो वेरिएबल्स को स्ट्रॉन्ग किए हुए हमारे पास वो लॉन्च पैड नहीं है जिससे हम फास्ट वेरिएबल्स या अलग तरह की पैंडेमिक या अलग तरह की क्राइसिस को, कल को अर्थक्वेक आ जाए, कल को कोई न्यूक्लियर प्रॉब्लम आ जाए, जो भी है उससे हम फेस कर पाए। ये बहुत जरूरी है, और ये मैं आपके व्यूअर्स को भी कहूंगा, खासकर मीडिया को, जो इंडियन मीडिया अच्छे से काम कर रही है उनकी बात कर रहा हूं मैं, कि ये आज का सवाल नहीं है। आज आप फास्ट वेरिएबल्स पे बहुत अच्छे से सवाल पूछ रहे हैं, बहुत अच्छे से पब्लिक को भी सेंस है, 6 महीने बाद, 1 साल बाद, 1.5 साल बाद इन स्लो वेरिएबल्स पे भी हम सवाल करना जरा शुरू करें कि क्यों ना हम ये सिस्टम को चेंज करें, क्यों ना हमारा सिस्टम और अच्छा हो जो हम डिजर्व करते हैं, बिकॉज हमारी इकोनॉमी बहुत आगे हो रही है और हम अपने लेवल ऑफ कंट्रीज से कंपेयर करना शुरू करें हेल्थ सिस्टम को। तो जी सर, आपने हेल्थ केयर सिस्टम का जिक्र किया और आपने ये बोला कि तमिलनाडु और केरला के पास बेसिक हेल्थ केयर सिस्टम था, इसीलिए ये फाइट बैक करते हैं, लेकिन बहुत सारी ऐसी रिपोर्ट आई हिंदुस्तान भर से, स्पेशली यूपी की बात करूं, कि जो कोविड हॉस्पिटल बनाए गए थे या क्वारंटाइन सेंटर बनाए गए थे उनको डिसमेंटल कर दिया। अभी मैं जिस जगह से हूँ वहां पे मुझसे एक डॉक्टर कह रहे थे कि मैंने फरवरी मार्च के महीने में एक पेशेंट भेजा और ये कह के लखनऊ भेजा था कि ये कोविड पेशेंट है, तो वहां से रिप्लाई आया बस रहे थे, उन्होंने कहा कि आपने कोविड पेशेंट की आप बात कर रहे हो, कोविड अब रहे कहाँ गया है। तो कहने का मतलब ये है कि मतलब अदर देन द गवर्नमेंट, मतलब एक बात तो ये है कि ठीक है भाई गवर्नमेंट का अपना एक नेग्लिजेंस था, लेकिन उसके बाद भी जो सरकारी हॉस्पिटल्स थे या फिर जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स थे जो इंडिपेंडेंट होते हैं, क्या उनको भी ये नहीं समझ में आ रहा था कि एक्चुअल में अभी हालात बहुत ज्यादा बुरे होने वाले हैं, तो इस वजह से जो हमने अपने हॉस्पिटल में टेम्परेरी फॉर्म में अगर कोई चीजें डेवलप की थी 2020 में, तो उसको भी अभी भी बरकरार करके रखा जाए? देखिए, यहाँ पर दो बातें हैं। पहली बात तो ये कि हर चीज को समझने का, रिगार्डलेस ऑफ स्पेशलाइजेशन, रिगार्डलेस ऑफ आपको कितना पढ़ाया गया, कितना नॉलेज है, एक कल्चर होता है, एक सिस्टम का कल्चर डेवलप होता है कि हम कैसे एक्ट करें। हमारे यहाँ दो परेशानियां हैं खासकर, और ऐसा नहीं है हर डेवलपिंग फेज में
बाकी कंट्रीज में भी होता है, बाकी जगहों पे कहीं हमारे से ज्यादा भी होता है। और वो दो हैं जो एचआईवी एड्स के टाइम में सबसे ज्यादा देखा गया था, कि जब एचआईवी एड्स आया था 1991 के करीब, हम लोग के यहाँ एक्टिवली बाहर के लोग आ रहे थे बात करने मिनिस्ट्री में। एक होता है खासकर इन पैंडेमिक के दौरान डिनायल का, और एक होता है फैटलिज्म का। कोविड में ये पिछले एक साल में आपको दिखा दिया है बिल्कुल सिमिलर। पहला तो डिनायल कि हमारे यहाँ हो ही नहीं सकता, बिकॉज हमारे यहाँ तो हाइजीन हाइपोथेसिस है, हम लोग तो हमारे यहाँ इम्यूनिटी बहुत डेवलप्ड होती है, और तरह तरह के रीजन पिछले साल ढूंढने लगे कि क्यों हम बहुत अच्छे हैं। तो एक डिनायल कहीं ना कहीं था, वो कल्चर में सिंक हो गया, और कल्चर में सिंक हो गया तो फिर वो झिझक भी खत्म होती गई। दूसरा फैटलिज्म का है, जो बहुत मजबूरी के टाइम में हम लोगों ने अपने हॉस्पिटल में, बाहर के हॉस्पिटल में देखा है, सड़कों पे देखा है, कि लोगों ने कहा कि अब कुछ नहीं हो सकता, अब कुछ नहीं हो सकता। मैं और हमारे कई जानने वाले हैं जिनके पेरेंट्स ने ये कह दिया कि मैं जो भी होगा हॉस्पिटल नहीं जाऊंगा, मुझे घर पे रहेंगे। एक ऐसा अजीब मायूसी का टाइम था। तो ये डिनायल और फैटलिज्म, इंडिविजुअल की तो कोई बात नहीं, हम चेंज नहीं कर सकते, सिस्टम नहीं कर सकता, सिस्टम को डिनायल से बाहर निकलना पड़ेगा। हमारे एक दोस्त हैं डॉक्टर हेमंत शिवाडे, उन्होंने द हिंदू में बहुत बड़ा एडिटोरियल छापा एक कलीग के साथ पिछले साल, कि जो डेथ्स की हम लोग बात कर रहे हैं ये रिपोर्टेड डेथ्स हैं, और कहीं ना कहीं हमें अपने सिस्टम स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, बिकॉज हम जब 7-10% डेथ का कॉज निकाल पा रहे हैं। पिछले साल हम जानते हैं कोविड की इतनी डेथ नहीं हुई, फिर भी उन्होंने ये बात, और बहुत ही प्रीसिएंट है बात, ये बहुत ही फ्यूचरिस्टिक बात की उन्होंने, कि भाई डेथ की रिपोर्टिंग को हमें बहुत साल से स्ट्रॉन्ग करने की जरूरत है। बट हमारे यहाँ और वो सुधरी नहीं, और उसका रीजन ये है कि हमें ये कभी नहीं पता चल पाएगा कि कितनी डेथ हुई। जो लोग आरोप प्रत्यारोप में लगे हैं वो उसे बढ़ा देंगे, जो लोग डिफेंस में लगे हुए हैं वो उसे घटा देंगे, लेकिन कहीं ना कहीं हम जैसे, आप जैसे लोग जो सिस्टम को बढ़ाना चाह रहे हैं विदाउट आइडियोलॉजिकल बाउंड्रीज, उनके लिए परेशानी है। सो नंबर वन, और ये आप कोचिंग में कभी पढ़ाएं या हम मेडिकल की तैयारी कर रहे होते थे तो ये बताया जाता है कि फर्स्ट थिंग जो जरूरी है आपकी तैयारी अच्छी होने के लिए, वो है आप डिनायल से बाहर निकलें। आप ये एक्सेप्ट करें कि ये कमी है हमारी। कमी होना कोई बुरी बात है ही नहीं, अब उस कमी को कैसे पूरा कर सकते हैं, कितना कर सकते हैं, ये अलग सवाल है। और ये मैं कई अपने मीडिया के दोस्तों को भी बोलता हूँ कि जब आप प्रत्यारोप कर रहे होते हैं तो उस टाइम आप इस बात को समझें कि कोई अगर अपनी गलती को एडमिट कर रहा है तो ये एक बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि ये पहला स्टेप है। हम ऐसे सिचुएशन में अनफॉर्चुनेटली पहुंचे हुए हैं कि हमारा डेटा बिल्कुल डिनायल पे चल रहा है, और अभी भी ज्यादातर लोग उसमें उलझे हुए हैं, जिससे मुझे नॉइस कहता हूं मैं हमेशा। हम ये जानना चाहते हैं आज की डेट में हमने डेटा सुधारने की ओवरऑल क्या कोशिश की। दूसरी बात ये कि पैंडेमिक में ओवर प्रिपेयर्ड नहीं हो सकते आप। पिछले साल बिहार इलेक्शन के टाइम में मुझे मेरे नाव में बुलाया गया और मैं उस पर बात कर रहा था, तो मैं काफी घबराया हुआ था कि इलेक्शन का डिसीजन लिया जा रहा है, और मैंने उनसे ये कहा था कि देखिए ऐसे वक्त में, और ये हैरी पॉटर की किताब में लिखा हुआ है एक जगह, कि सर्कमस्टांसेस टाइम्स लाइक दीज ब्रिंग आउट द बेस्ट इन सम पीपल एंड ब्रिंग आउट द वर्स्ट इन सम पीपल। तो हमें ये जानना होगा कि पैंडेमिक्स अजीब तरह का क्राइसिस क्रिएट करते हैं, और इसलिए ये जरूरी है कि हम उसकी रेस्पॉन्सिवनेस के लिए अच्छे से ट्रस्ट को वापस लाएं, डेटा में हम अपना स्ट्रेंथ बढ़ाएं, और पैंडेमिक के लिए याद रखें कभी भी ओवर प्रिपेयर्ड होना लाख बेहतर है अंडर प्रिपेयर्ड होने से, जिसकी गलती हम बार बार कर रहे हैं। जी सर, आपने डिनायल की बात की, और एक चीज आगे और ऐड किया कि बार बार ये कहा गया कि हमारा इम्यूनिटी सिस्टम बेहतर है और हम फाइट बैक कर लेते हैं। लास्ट ईयर और इस साल से जरा सा मैं एक मतलब जो एक र्यूमर था उस पे आपसे सवाल पूछना चाहूंगा। लास्ट ईयर जब स्पेन और इटली में बहुत ज्यादा डेथ आई तो एक बात ये है, सोशल मीडिया पे और ऐसे नुक्कड़ बाजारों में आमतौर पर एक बात होती थी कि यार वहां पे डेथ इसलिए हो रहा है क्योंकि उनका जो हाइजीन सिस्टम है बड़ा अच्छा है, वो लोग एक हाई क्वालिटी और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को जीते हैं जिसकी वजह से एक बीमारी को फेस नहीं कर पाए। और उस वक्त तो कुछ लोगों ने ये बात कही थी कि देखो भाई भारत में ये प्रॉब्लम ज्यादा आएगी नहीं और हम इसको फेस कर लेंगे क्योंकि हमारा हाइजीन सिस्टम बड़ा पुअर है, हम खाते खराब हैं, हम पीते खराब हैं, क्वालिटी ऑफ एयर खराब है, इस वजह से ये बीमारी हमें ज्यादा बहुत परेशान नहीं करेगी। आप एज अ मेडिकल साइंस के स्टूडेंट, टीचर, एक्सपर्ट, इसको किस तरीके से देखते हैं? देखिए हाइजीन हाइपोथेसिस जो है वो पहली बात हाइपोथेसिस है, वो कोई रिसर्च प्रूवन एंटिटी नहीं। बट हाइजीन हाइपोथेसिस कभी कभी एलर्जी वगैरह में देखा गया है, और ये भी ले रिपोर्टिंग है, कोई साइंटिफिक एविडेंस नहीं है,
कि बाहर के लोग यहाँ आ जाते हैं, उनकी एलर्जीज कम हो जाती है। एक इंफेक्शियस डिजीज में हाइजीन हाइपोथेसिस काम नहीं करता। फॉर एग्जाम्पल ट्यूबरक्लोसिस आज भी हम जानते हैं एक सोशल डिजीज है जिसका मेडिकल मैनिफेस्टेशन। हम और आप ट्यूबरक्लोसिस के लोगों से मिलते हैं और जानते हैं कि हमें नहीं होगा क्योंकि हमारी हाइजीन पुअर है या हमारी इम्यूनिटी स्ट्रांग है, ये सवाल पूछने लायक है। हम जानते हैं कि खाने की परेशानी है, सोशल डिटर्मिनेंट्स पुअर है, तभी टीबी होगा, वरना यूजुअली टीबी नहीं होगा अनलेस कि आपको इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड है या आप एनीमिक हो गए किसी वजह से, वरना ज्यादातर लोगों को तभी होगा। तो हाइजीन हाइपोथेसिस इम्यूनिटी हाइपोथेसिस से टकराता है कहीं ना कहीं। लेकिन उसके पहले का स्टेप मैं इसीलिए बोल रहा था कि इससे पहले कि आप ये एनालिसिस करने लगे कि हमारे यहाँ क्यों सब कुछ अच्छा हुआ है, आपने अपने प्रिपेयर्डनेस को चेक किया या नहीं? मैं ये जानना चाहता हूं कि हम तो ये मान के चल रहे थे कि उतना ही खतरनाक आएगा, चलो उससे आधा खतरनाक भी आ जाए, अगर हम उस टाइम पूरा प्रिपेयर्ड हो जाते और अगर हम ये सब बाद के लिए रख लेते कि भाई अगर अच्छा हुआ तो क्यों हुआ, क्योंकि म्यूटेंट्स तो आएंगे ही, ये सभी लोग बोल रहे हैं म्यूटेंट स्ट्रेन्स आते रहेंगे, और WHO ने ये साफ कहा है कि 2024 तक ये सिलसिला म्यूटेंट स्ट्रेन्स का चलता रहेगा, उसके बाद भी ऐसा नहीं कि कोरोना खत्म हो जाएगा, बट अगर हम लोग सिस्टमैटिकली सही से काम करें तो हम इससे लड़ने की ताकत सीख जाएंगे जैसे और बीमारियों के साथ सीखा। तो एक नॉवेल इन्फेक्शन आ रहा है, नया इन्फेक्शन जिसको दुनिया ने नहीं जाना है अभी तक, नॉवेल कोरोना वायरस था ये, उसके बारे में हमें कुछ पता नहीं है, तो ये प्री मेच्योर सेलिब्रेशन करने से तो मुश्किल हो जाएगा। तो 41st ओवर में हमने देखा कि अब तो सिर्फ 30 रन बनाने हैं, तो हमारे पास तो 5 विकेट हैं, हम बना जाएंगे, कई मैचेस हारे हैं हम लोग, ये प्री मेच्योर सेलिब्रेशन मैच में ठीक लगता है, एक मैच की बात है, यहाँ जाने जाती है, यहाँ सिस्टम में बहुत बड़ा लॉस होता है। जी मेरा एक सवाल ये था, जैसे ट्रेनिंग से रिलेटेड आपने बात किया और आप अलीगढ़ बैठे थे, मैं इस टाइम एक छोटे शहर में बैठा, मैंने एक चीज नोटिस किया कि बहुत सारी प्रॉब्लम थी, बहुत सारी समस्याएं थी इसको फाइट बैक करने की, लेकिन एक बड़ी बेसिक प्रॉब्लम थी वो है फर्स्ट एड वर्कर। मतलब मैं अपने शहर में ये देख रहा था कि फर्स्ट एड वर्कर्स की तादाद ऑल ऑफ अ सडन बहुत श्रिंक कर गई। श्रिंक इसलिए कर गई क्योंकि 50% मैदान छोड़ के भाग गए बिकॉज ऑफ द रीजन की वो डर गए, उनको ये लग रहा था कि जो होम आइसोलेशन के पेशेंट है उनको जाके इंजेक्शन लगाना है, ड्रिप चढ़ाना है, कहीं वो चीज उनके अंदर भी ट्रांसफर ना हो जाए। बचे जो 50% थे उनका हाल ये हो गया था कि 2-3 फर्स्ट एड वर्कर 4-5 कॉलोनीज को संभाल रहे थे सुबह से लेकर रात तक लगातार 20 दिनों तक। मैं ऐसे लोगों को जानता हूं जो सुबह से रात तक कॉल पे रहते थे और उनके एक घर के से दूसरे घर में उनके पीछे 8-10 लोग रहते थे कि हमारे पेशेंट को ये जरूरत है, हमारे पेशेंट को वो जरूरत है। तो इस ऐसी क्राइसिस जो आती है, इस क्राइसिस में क्या मेडिकल साइंस कुछ ऐसी बात बताता है कि शॉर्ट टर्म में हम फर्स्ट एड वर्कर बहुत जल्दी से तैयार कर सकते हैं? देखिए यहाँ जो है पहली बात तो मेडिकल साइंस नहीं हेल्थ साइंस, क्योंकि मेडिकल साइंस का एक बार इसके अगेंस्ट खड़ा हो जाता है, क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ दिक्कत ये है कि हेल्थ वर्कर्स की ना वो इज्जत है ना उनको वो पैसे मिलते हैं। तो अब रीजन ये है कि आप जिन वर्कर्स, और आप शहरी बात कर रहे हैं, अभी भी आप शहर की बात कर रहे हैं, शहर में तो वो अवेलेबल थे थोड़ा बहुत डिपेंडिंग ऑन आपके शहर में है, गांव में तो है ही नहीं कोई, गांव में तो वही आशा है बेचारी, और किसी किसी गांव में 4-5 गांव में एक ANM बेचारी मिल जाती है, बाकी कुछ एक कंपाउंडर या जो शहर जाकर काम करते हैं उनकी फैमिली के कुछ लोग जानते हैं इस चीज को। हम ये जानना चाह रहे हैं कि ये अनऑर्गेनाइज्ड हेल्थ सिस्टम इतना क्यों है। अच्छा, ये जो हम लोग के लोग हैं जिनकी बात आप कर रहे हैं, ये तो प्राइवेट वर्कर्स हैं ना, आम दिनों में तो इनको कुछ पैसा नहीं मिलता, तो फिर आज हम इनसे ये क्यों एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये फिलंथ्रोपिकली हमारे यहाँ काम करना शुरू कर देंगे अपनी जान जोखिम में डालकर? ये बड़ा सवाल है। आप एक एपिसोडिक सवाल पूछ रहे हैं, उसका भी जवाब है, लेकिन मैं बार बार सिस्टमिक सवाल पे ला रहा हूं कि हर डॉक्यूमेंट में हमारे लिखा हुआ है कि हमसे हमारा पहला पॉइंट ऑफ केयर 3 किलोमीटर से दूर नहीं हो सकता। आप दुनिया भर में देख लें ऐसा कहां हो रहा है, मतलब इंडिया में बार बार देखें नहीं हो रहा है अवेलेबल। दूसरी बात ये, आशा हमारी बहुत अच्छा काम करती है, ऑलरेडी ओवरलोडेड होती है, अब आप उसको कोविड का भी काम दे दीजिए, है ना, और बाकी काम भी चलता रहे, लेकिन सैलरी हम नहीं देंगे आशा को, सैलरी आशा को आज भी नहीं मिलती। मैनेजमेंट के लोगों ने परफॉर्मेंस बेस्ड इंसेंटिव्स की बात की, हम कहीं ना कहीं बोलने लगे कि ये लोग काम नहीं करते और ये लोग ऐसे लोग होते हैं और इसीलिए, जबकि हम सब जानते हैं कि उनका काम जरूरी है। बहुत लोग बहुत जगह काम नहीं करते, पैरेटोस प्रिंसिपल हर जगह एग्जिस्ट करता है, लेकिन किसी को अगर बेसिक सैलरी भी नहीं दी जाए तो उससे एक्सपेक्ट करना कैसे ठीक है?
दूसरी बात यह कि ये हेल्थ सिस्टम वाले आपके लिए आज प्राइवेट में काम करेंगे, कल इनके साथ कुछ हो गया तो इनके पास क्या डिविडेंड बचे हैं जिससे वो फाइट बैक कर सकते हैं। तो ये सिस्टम सुधारने का मौका है अगर हेल्थ वर्कर्स हम बहुत ज्यादा, और ये हेल्थ वर्कर डेफिसिट हर जगह लिखा हुआ है उसमें भी परेशानियां हो रही है। हेल्थ वर्कर डेफिसिट के नाम पे प्राइवेट कॉलेजेस खुलते हैं, हेल्थ वर्कर्स और ज्यादा प्रोड्यूस करते हैं, और वो कई हेल्थ वर्कर्स जो है वो सिस्टम रिटेन कर ही नहीं पाता क्योंकि सिस्टम के पास जॉब क्रिएशन है ही नहीं। सो फॉर एग्जाम्पल, इंडिया को बहुत सारे साइकियाट्रिस्ट की जरूरत है, हर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में एक की तो जरूरत थी, लेकिन इंडिया के पास सिर्फ 8,000 साइकियाट्रिस्ट हैं। उसके बावजूद हमारे एमडी साइकियाट्री से, आप क्या सोचते हो जब आप ये सोचते हो कि भाई बहुत डर्थ ऑफ वर्कर्स है, तो इसका ये मतलब हुआ कि जैसे ही मैं एमडी साइकियाट्री करूंगा मुझे एकदम से जहां चाहो वहां जॉब मिल जाएगा। ऐसा नहीं होता, जॉब नहीं मिलते। और इन जो साइकियाट्रिस्ट हम जितनी बना भी रहे हैं उनमें से मैं कई का नाम ले लूंगा, आजमगढ़ के भी हैं एक आध जो कि यूएस चले गए, उनको काम यहाँ करने का दिल था, लेकिन क्या हम वो स्पेस एग्जिस्ट करवा रहे हैं? क्या हम फख्र से हेल्थ वर्कर्स को गवर्नमेंट हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन में काम करने का फख्र मिलता है? क्यों ऐसा होता है कि पीजीआई चंडीगढ़ में जो डॉक्टर्स काम कर रहे होते हैं वो इतने अच्छे से काम कर रहे होते हैं, या किसी कॉलेज में आप देखेंगे बहुत अच्छे से कल्चर है, सीएमसी वेल्लोर में बहुत अच्छा कल्चर है काम करने का, और क्यों वही किसी स्टेट के या प्राइवेट कॉलेज में या डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में खराब हो जाता है? सो दीज आर द थिंग्स कि आप उस बंदे की मोटिवेशन के लिए क्या करते हैं, उनकी आम सैलरी के लिए क्या करते हैं, उनको वर्क में कितनी ऑटोनोमी देते हैं, कितनी इज्जत देते हैं, कितना आप प्लानिंग में उनको लेते हैं आशा वर्कर्स को बिठाकर, फॉर एग्जांपल। जब तक हम ये नहीं करेंगे, और ये हमें देखने की जरूरत है कि ये जो चल रहा है ये सिस्टम ठीक नहीं है, हमें सिस्टम बेहतर करना पड़ेगा, उसके बिना कोई और कोरोना वायरस आएगा तो हमें और ज्यादा परेशानी झेलनी पड़ सकती है। सर मेरा नेक्स्ट सवाल ये है कि जैसे ये देखा जाता है दुनिया भर में ये देखा जाता है कि जब भी क्राइसिस आती है तो सरकार जो होती है प्राइवेट संस्थानों को भी अपने अंडर में कर लेती है। हाल में ही कर्नाटक में सरकार ने प्राइवेट हॉस्पिटल से ये कहा कि 75% बेड्स जो है वो आप कोविड के लिए रिजर्व कर दीजिए और जो भी खर्च होगा, जो भी अमाउंट होगा वो हम अपनी तरफ से पे करेंगे। तो इसमें एक चीज मैं और जोड़ना चाहता हूँ, वो ये है कि नीति आयोग की लास्ट ईयर की जो रिपोर्ट से पहले नीति आयोग ने जो किया कहा कि हम एक पीपीपी प्रोजेक्ट पे प्राइवेट और पब्लिक हेल्थ सिस्टम को रन करने जा रहे हैं। तो मेरा सवाल यह है कि अगर नीति आयोग ये बात कह रहा था, उसने बाकायदा एक 150-200 पेजेस की रिपोर्ट भी अपनी तैयार की, तो ऐसी क्राइसिस में जो बहुत सारे लोगों ने वॉर लाइक सिचुएशन लिख दिया, बहुत सारे लोगों ने एक हेल्थ इमरजेंसी डिक्लेयर कर दिया, तो ऐसा क्यों नहीं हुआ कि राज्य सरकारों ने प्राइवेट हॉस्पिटल को अपने कंट्रोल में रख के यहाँ पे 60-70% बेड्स को अपने अंडर में ले लिया, और जैसा कि आपने कहा कि 5,500 करोड़ वापस चला गया, तो इतना पैसा तो ऑलरेडी था कि सरकारें जो है प्राइवेट हॉस्पिटल को पे कर सकती थी और अपने मरीजों को बचा सकती थी। पहली बात तो ये कि ये जो 5,500 करोड़ वाला है वो यहाँ बहुत फिटिंग नहीं है बिकॉज वो एक पर्टिकुलर विंडो में आता है, और दूसरी बात जो हमने नहीं की थी वो ये है कि हमारे फिनेंस सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर का प्रॉब्लम नहीं है, हम पैसे किस तरह से डाइवर्ज करते हैं जहां यूज होना है उसमें भी परेशानी है। बहुत 7 स्टेप है, सुजाता राव ने लिख रखा है बहुत अच्छे से, 7 स्टेप के बाद पैसे डाइवर्ज हो जाते हैं, तो नतीजा ये होता है कि मार्च के महीने में पैसे खत्म करने की होड़ चलती है और पैसे बच जाते हैं। सो इसलिए क्योंकि मिसट्रस्ट का एक सिस्टम है। खैर, आप जो बात बोल रहे हैं कर्नाटका का, महाराष्ट्र ने भी कोशिश की, और स्पेन पहली कंट्री थी पिछले ही साल जिसने अपने सिस्टम को ही नेशनलाइज कर दिया उस टाइम के लिए, हालांकि स्पेन का सिस्टम वैसे भी काफी स्ट्रांग है, पर उन्होंने ऐसा किया। मुझे याद आता है इंदिरा गांधी के वक्त, आज जैसे इंदिरा गांधी के वक्त सारी बैंक्स को नेशनलाइज कर दिया गया था, उस टाइम बहुत अजीब लग रहा था ये डिसीजन, और मैं नाम भूलता हूं उस बच्ची का, बट उसके पापा बहुत ज्यादा काम कर रहे हैं एक्टिविज्म का। एक बच्ची थी, आपको याद हो कुछ साल पहले डेंगी में किसी हॉस्पिटल ने 16 लाख का बिल बनाया था, 15 या 16 लाख का, और उसके पापा आज भी फाइट कर रहे हैं डेथ के बाद उन सारे एक्सपेंसेस के लिए कि ग्लव्स का बहुत ओवर कॉस्ट था और ये है और वो है। उन्होंने एनडीटीवी में ये बात कही थी कि गवर्नमेंट को परेशानी क्या है नेशनलाइज करने में, क्या इमरजेंसी है नहीं हेल्थ इन जनरल, क्या हेल्थ इमरजेंसी नहीं है? अच्छा, इमरजेंसी कब बन जाती है? ये एक जेनेरिक सवाल कर रहा हूँ, इन सवालों के जवाब है, लेकिन मेरा ये कहने का मतलब है कि सिस्टम नेशनलाइज आप करें या नहीं करें, आप अपने सिस्टम को स्ट्रॉन्ग इनफ तो कर दें कि आपका डिपेंडेंस कम हो प्राइवेट में, नंबर एक। नंबर दो, हाँ ये बात आपकी ठीक है कि विपदा के टाइम में, ऐसी परेशानी के टाइम में प्राइवेट हेल्थ सिस्टम को अगर गवर्नमेंट हेल्थ सिस्टम कंट्रोल करके चलाए तो ज्यादा एफिशिएंट मॉडल होगा, ये हम जानते हैं, लेकिन मैं ये भी बार बार ये सवाल पूछना चाह रहा हूं कि आज ही क्यों
मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि प्राइवेट हेल्थ सिस्टम नहीं होना चाहिए, मैं ये कह रहा हूँ कि गवर्नमेंट जब ये बात समझती है कि सबसे एफिशिएंट कंट्रोल ऑफ इंडियाज टोटल हेल्थ हम कर सकते हैं, पब्लिक सिस्टम ज्यादा स्ट्रांग है करने में हर तरह से, बिकॉज प्राइवेट हेल्थ केयर वो रिस्क नहीं ले सकती हेल्थ की, कि आज हम डेंगू के लिए प्रिपेयर हो जाए कल नहीं आए, आज हम टीबी के केयर देने लगे लेकिन टीबी के लोगों को पैसे देने का की पोटेंशियल ही ना हो, हमारा खर्चा है, हेल्थ केयर में एक्सपेंसेस बहुत ज्यादा होते हैं। हेल्थ केयर एक नॉलेज इंटेंसिव इंडस्ट्री है, किसी भी नॉलेज इंटेंसिव इंडस्ट्री, और एक्सटर्नैलिटीज बहुत ज्यादा है, इकोनॉमिक्स में हम पढ़ते हैं कुछ भी हो सकता है, कभी भी हो सकता है, तो ऐसे में प्राइवेट हेल्थ केयर एक कंजर्वेटिव माइंडसेट से काम करते हैं क्योंकि वो एक बिजनेस एंटरप्राइज है। तो ये अभी वक्ती तौर पे तो उनको नेशनलाइज करने के मैं बिल्कुल फेवर में हूं कि आप उनसे ले लें और आप काम करें उनके साथ करें, अगर वो थोड़ा ज्यादा पैसा भी देना पड़ा है तो दें, पैसों की कमी इतनी तो नहीं ही है, इतनी तो नहीं है, क्योंकि जीडीपी का आप इन्वेस्टमेंट देखें तो जिस तरह का डिफेंस का हमारा इन्वेस्टमेंट है, अगर हम बहुत डेवलप्ड कंट्री है, अगर हम बहुत पीसफुल कंट्री है, तो क्यों नहीं हम अपने लोगों के लिए भी अच्छे हेल्थ की कोशिश कर पाए। तो और ये अल्मा आटा में लिखा हुआ है, 1978 में एक बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस हुई थी अल्मा आटा की, जिसमें दुनिया से ये कहा गया है डायरेक्टली लिखे हुए कि भाई अब तो वर्ल्ड वॉर्स खत्म हो गए ना, अब तो हम लोग एक पीसफुल वर्ल्ड सिस्टम बन रहे हैं, तो जब एक पीसफुल वर्ल्ड सिस्टम बन रहे हैं तो क्यों ना हम लोग इनइक्वालिटी पे काम करें, क्यों ना हम लोग हेल्थ को सुधारने की काम करें, क्यों ना हम लोग ये करें कि हेल्थ का जो ड्यू शेयर ऑफ बजट है वो तो उसे मिले, क्योंकि अभी ये वोलाटाइल, जब था वोलाटाइलिटी थी वर्ल्ड वॉर की तो डिफेंस में जा रहा था इतना पैसा, उन्होंने कहा कि तब जरूरत थी, अब तो हम ठीक होते जा रहे हैं, क्यों ना हम लोग सब मिलकर एक वर्ल्ड ऑफ पीस बनाने की कोशिश करें ताकि हेल्थ को, एजुकेशन को वो शेयर मिले जो वो डिजर्व करता है, नहीं तो ये परेशानी है। तो जी आपका सर जो जवाब है उसको याद आता है कि फोर्टिस के सीईओ ने प्रोग्राम में आए, उन्होंने वहां पे ये बात कही भी थी, अल्टीमेटली इट इज द पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम व्हिच टेक्स ऑल द रिस्पांसिबिलिटी नॉट द प्राइवेट हेल्थ सिस्टम, और उन्होंने साथ ही बात कही थी कि पब्लिक हेल्थ सिस्टम ही है जो इतनी बड़ी क्राइसिस को मैनेज कर सकती है, प्राइवेट हेल्थ सिस्टम के बस की बात नहीं। मेरा आखिरी सवाल सर ब्रिटिश नेशनल हेल्थ सर्विसेज पे, क्योंकि इधर मैंने जितने आर्टिकल पढ़ा मैंने देखा था कि बहुत सारे एक्सपर्ट जो हैं बार बार ये बात कह रहे थे कि व्हाई कांट वी हैव अ यू नो नेशनल हेल्थ सर्विसेज लाइक अ ब्रिटिश नेशनल हेल्थ सर्विसेज, जहाँ पे मैं देख रहा था कि तीन पार्ट्स में उसको डिवाइड किया जाता है, एक तो कम्प्लीटली पब्लिक है, दूसरा प्राइवेट होता है जो कि एनजीओ के फॉर्म में चलता है, और तीसरा प्राइवेट है जो कि प्रॉफिट के फॉर्म में चलता है। और इसमें एक चीज मैं और देख रहा था कि 1946 में उस वक्त जो सिविल सर्वेंट थे सर जोसेफ बोर, उन्होंने भी बकायदा एक रिकमेंडेशन सबमिट की थी कि हमें भी इसी बिल्कुल ट्रैक पे एक हेल्थ सिस्टम डेवलप करना चाहिए जो कि ब्रिटेन करने जा रहा है। तो इसको ना कर पाने में भारत के साथ क्या परेशानी है, क्या फंड की कमी है, एलोकेशन की कमी है, या फिर ये कहा जाए कि बहुत बड़ा देश है, बहुत बड़ी आबादी है, जो बार बार बात होती है, किस चीज की आपको इसमें कमी लगती है? बहुत बहुत ही अच्छा सवाल आपने पूछा है, और सिर्फ ऐसा नहीं है कि ब्रिटिश हेल्थ सिस्टम ही ठीक है, बट देखिए एक बात को समझने की जरूरत है कि जब ब्रिटिश हेल्थ सिस्टम बन रहा था, जब एनएचएस बन रहा था 1946 में, उस जमाने में लेबर की गवर्नमेंट थी, उन्होंने ये कहा था कि हम करेंगे, उसके बावजूद लोगों का स्ट्रगल था जिसकी वजह से वो सिस्टम एनएचएस बना। आपको ये जान के अजीब लगेगा कि ब्रिटिश मेडिकल एसोसिएशन सख्ती से खिलाफ थी एनएचएस के होने से, ब्रिटिश मेडिकल एसोसिएशन इसके खिलाफ थी, क्यों थी आपको भी पता है और मुझे भी पता है। तो आज हम अगर वही हेल्थ सिस्टम लाना चाहेंगे तो बहुत सारे डॉक्टर्स, बहुत सारे मेडिकल एसोसिएशन खिलाफ होंगे उसके, और वो खुश हैं कि सिस्टम ऐसा रहे, आई बीइंग अ डॉक्टर एडमिट दैट। लेकिन हम दूसरी चीज भी बताना चाह रहे हैं कि पिछले साल से, जब से गवर्नमेंट चेंज हुई है, एनएचएस को डिसमेंटल करने की पूरी कोशिश की जा रही है। कोविड के पहले वो काम अच्छा खासा हो चुका था, कोविड की वजह से एकदम से लगा कि अरे भाई ये नहीं होता तो क्या होता, मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ जो डिसमेंटल करना चाह रहे थे, बट उसकी डिसमेंटलिंग में हमारे कई दोस्त हैं जो जानते हैं कि एनएचएस के डिसमेंटल फौकती तौर पे भी होंगे तो उनकी सैलरीज बढ़ जाएंगी, लेकिन उन्होंने प्रोटेस्ट किया इसके अगेंस्ट। वही डॉक्टर्स आज प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि नहीं, एनएचएस को हम नहीं जाने देंगे क्योंकि उसका फायदा उनको दिख रहा है। तो इंडिया में ये सिस्टम आने के लिए सबसे पहली जो जरूरत है वो ये है कि लोगों में ये सोच बदलनी पड़ेगी कि हेल्थ एक चैरिटी की चीज है, हेल्थ एक है किसी भी कंट्री की, उसकी गवर्नमेंट की, और किसी भी
मैं अगर मेरे बच्चे हैं, मेरे बच्चों की हेल्थ मेरी प्राइमरी जिम्मेदारी है, बाकी सारी जिम्मेदारी इसके बाद आती है। ये सोच अगर बच्चों में आएगी या लोगों में आएगी तो लोग ये चीज जानना चाहेंगे, लोग उस सब सेंटर को जो उनके घर के पास है ये पूछेंगे कि ये क्यों नहीं खुल पाता, और लोग वहां के वर्कर्स को रेस्पेक्ट करेंगे और हेल्प करेंगे। वहां जाकर जबरदस्ती दवाइयां छीनना और ये पॉलिटिक्स नहीं करेंगे, वो पॉलिटिक्स चेंज होगी एक अच्छी पॉलिटिक्स में। इसी उम्मीद पे हम हमेशा रहते हैं, और कई जगह है भी ऐसा कि लोग जो है अपने अपने सेंटर्स को ओन करते हैं और ये कहते हैं कि नहीं हमारा सिस्टम है, हम इसे उतना ही लेंगे जितने हमें जरूरत है, यहाँ के वर्कर्स की हम रेस्पेक्ट करेंगे और लोग और इसको धीरे धीरे अच्छा करने की कोशिश करेंगे, अटैकिंग मोड में नहीं रहेंगे। सो इसकी बहुत ज्यादा इंडिया में कमी है बहुत वजहों से। लेकिन ये जो मॉडल आप बात कर रहे हैं ये इकलौता मॉडल नहीं है, इसे हम बेवरेज मॉडल कहते हैं, जो NHS में है, नॉर्वे में है, स्वीडन में है, स्पेन में कुछ हद तक है, न्यूजीलैंड में है, और भी मॉडल्स हैं जैसे बिस्मार्क का मॉडल है जो इंश्योरेंस फंडिंग पे है, लेकिन वो गवर्नमेंट के लेवल का इंश्योरेंस है, आम लोगों के नहीं। तो आपको पॉकेट से पैसे नहीं देने, गवर्नमेंट नेगोशिएट करेगी। जाहिर सी बात है मैं किसी बड़े हॉस्पिटल से नेगोशिएट करने का पावर नहीं रखता, बट गवर्नमेंट अगर पूरा ही ये कर दे और बोले कि भाई नेगोशिएशन वगैरह आप हमसे करेंगे, तो फिर वो रेट भी सेट कर सकती है, रेगुलराइज भी कर सकती है काफी हद तक। कनाडा में वही मॉडल है कि नेशनल हेल्थ इंश्योरेंस मॉडल है, साउथ कोरिया में कितना अच्छा रिस्पॉन्स था साउथ कोरिया का पिछले साल कोविड में, आपको याद हो, ताइवान में। बट ये जो आउट ऑफ पॉकेट मॉडल है, और एक बात मैं जरूर बोल दूं कि ये खराब मॉडल है, सबसे ज्यादा दुनिया का सबसे खराब मॉडल आउट ऑफ पॉकेट मॉडल है, जिसमें अमीर खरीदता है हेल्थ केयर और गरीब गरीबी से मर जाता है, यही होता है बाय एंड लार्ज। ये अमेरिका में भी है, और हम लोग बार बार में पैनल डिस्कशंस में देखता हूँ कि अमेरिकन हेल्थ केयर की लोग तारीफें करने लगते हैं। अमेरिका का पब्लिक हेल्थ अपने बराबर की कंट्रीज में सबसे खराब है, इकोनॉमिकली बराबर की कंट्रीज में, और उसका रीजन ही यही है। और उसका इन्वेस्टमेंट 17% GDP इन्वेस्टमेंट है, मान लें 17% GDP इन्वेस्टमेंट के बाद ज्यादातर अमेरिकन को पॉकेट से देना पड़ रहा है, और बहुत बुरा हाल हो रहा है। कोविड में भी बुरा हाल हुआ, कुछ हद तक चाइना में भी यही हाल है, लेकिन चाइना का सिस्टम कुछ सुधर रहा है इस मामले में। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हेल्थ के पैसे लोगों को ना देने पड़े, और या तो गवर्नमेंट सिस्टम बिल्कुल बेवरेज मॉडल पे हो या नेशनल हेल्थ इंश्योरेंस मॉडल पे हो, जो ये आयुष्मान भारत बिल्कुल नहीं है, दो बिल्कुल अलग चीजें हैं। और तीसरा ये कि एक मॉडल बिस्मार्क मॉडल भी एग्जिस्ट करता है फ्रांस बेल्जियम में, जहां इंप्लॉयर स्पॉन्सर्ड इंश्योरेंस है, वो इंडिया के लिए थोड़ा दिक्कत है बिकॉज इंडिया में ज्यादातर इनफॉर्मल सेक्टर है, और आप ये खूब बेहतर जानते हैं। तो ये कुछ वजहें हैं जी। लास्ट सवाल मेरा जो है वो पोस्ट कोविड वर्ल्ड पे, स्पेशली इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में, और जितना मैंने रियलाइज किया मुझे ये लगता है कि भारत का एक बहुत बड़ा लॉस इस सेंस में होने वाला है कि बहुत हाई अमाउंट में ब्रेन ड्रेन होने वाला है, यानी बिजनेस क्लास और जो IT सेक्टर की अगर हम बात करें या फिर जो पढ़ा लिखा तबका है, वो बड़ी तादाद में जो रिपोर्ट्स आ रही हैं इनफॉर्मल रिपोर्ट्स में उनको कि वो इंडिया से मूव करने वाला है। तो एक चीज, एक इसमें कई सवाल हो सकता है, लेकिन डायरेक्टली मैं बस एक ही सवाल आपसे ये करूंगा कि पोस्ट कोविड स्पेशली इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में आप किस तरीके से देखते हैं, कितना चेंजेस? देखिए मैं अब तो प्रेडिक्टर रहा नहीं, एक जमाने तक मैं प्रेडिक्शंस करता था, बड़ी एनालिसिस करता था फ्यूचर की, लेकिन जिस तरह का टर्न वर्ल्ड ओवर हो रहा है पिछले कुछ सालों में, इवन विद इन पॉलिटिकल पार्टीज, इवन विद इन साइंटिफिक कम्युनिटी, वो बड़े मेरी प्रेडिक्शन एबिलिटी को खत्म कर चुका है। लेकिन ये बात आपकी बिल्कुल सच है, क्योंकि ये हम लाइव देख रहे हैं अपनी आंखों से कि कैसे बच्चे स्टूडेंट्स मेडिकल के कॉलेज के हमारे पास आते हैं, और वो स्टूडेंट्स जो इंडिया के लिए कुछ करना चाहते थे और रहना चाहते थे बाहर के बारे में पूछ रहे हैं। ये तब जबकि हमारी सैलरीज इंक्रीज हो गई हैं, अब इतना वाइड डिफरेंस नहीं है, बाहर जाने की बहुत रीजंस नहीं है, आप कंफर्टेबल लिविंग कर सकते हैं। मैं टॉप लेवल के मेडिकल वर्कर्स की बात कर रहा हूँ। दिस इज एग्जैक्टली व्हाट विल हैपन। बट आप देखिए कि पोस्ट कोविड की अगर हम बात करें, पहली बात तो ये पोस्ट कोविड होगा नहीं, पोस्ट वेव होगा, क्योंकि फिर आएगा वेव। और ये बात मैं कल परसों भी कर रहा था कुछ इन्वेस्टिगेशन टीम से कि अच्छा ये वेव छोड़ दीजिए, ये तो जा रहा है, अब हम कितने के लिए प्रिपेयर्ड हैं। अब हम ये गिनती करें, और मैं एक सिस्टम में था, मैं उसका नाम नहीं लूंगा, कि आपके पास 40 वेंटिलेटर हैं जिसमें से 12 चल नहीं रहे, आपको ये बात पता है कि 12 चल नहीं रहे, लेकिन पेपर पर आप लिख रहे हैं 40। अब आप प्लानिंग कैसे करेंगे, जब एपिडेमियोलॉजिकल डेटा प्लानिंग करेंगे, और मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, इसी तरह ऑक्सीजन का हाल है, आपको एग्जैक्टली पता नहीं कि अगर स्ट्रेच हुआ मेरा सिस्टम
तो मैं कितना तक ऑक्सीजन डिलीवर कर पाऊंगा, मेरा सिस्टम कितना कर पाएगा, वो हॉस्पिटल का कितना कर पाएगा, वहां वाले हॉस्पिटल में कितना कर पाएगा। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि डिनायल से कंप्लीटली बाहर आए, और वो लोग भी बाहर आए जो आरोप लगाते हैं, मीडिया वो वाली जो प्रत्यारोप पे बेस्ड है वो भी बाहर आए, वो बोले कि देखिए सबसे पहला सवाल ये है कि हम ये जाने कि हमारा सिस्टम किस लायक है, कितने को केटर कर पाएगा, तब तो हमारी प्लानिंग चलेगी, वरना ये डिनायल की प्लानिंग हमें कहीं का नहीं छोड़ेगी। अगर अगला वेव इसके बराबर या इससे ज्यादा खतरे का हुआ तो मुझे डर है कि क्या होगा। दूसरी बात, पोस्ट कोविड केयर की हम बात कर रहे हैं तो अभी भी बेसिक चीजें मुझे नहीं नजर आ रही। पहली बात की डेटा काउंटिंग के लिए हमने क्या किया, पोस्ट कोविड हम कर सकते हैं, अभी चलिए स्ट्रेच हो गई सिस्टम, लेकिन पोस्ट कोविड करें कि भाई कितनी डेथ हुई, कैसे हुई, क्या हुई, इन ऑल फेयरनेस। दूसरा, मेंटल हेल्थ का जो ये टेरिबल बर्डन आने वाला है हेल्थ वर्कर्स पे, इस पे किसी का कोई फिक्र नहीं है, तो ब्रेन ड्रेन तो होगा ही जब आप उसके मेंटल हेल्थ को अफेक्ट नहीं करिएगा, और अगर वो रह गए तो भी वो एक इम्पेयर्ड सिस्टम के साथ काम करेंगे, उनकी ब्रेन ड्रेन का क्या हमने फैसला लिया है। इतने बच्चे जो ऑर्फन हो रहे हैं उनका हम क्या फैसला ले रहे हैं, और ये जो ट्रॉमा सोसाइटी को हुआ है ये कैसे हम पूरा करेंगे, इस पे कितनी कमीशंस बन रही हैं, इस पे कितना हम काम कर रहे हैं। अगर हम ये सब कुछ कर पाए तब हम शायद पोस्ट कोविड टाइम में अपनी ट्रस्ट को वापस ले पाएंगे, वरना हम एक बहुत ही डिप्रेसिव माहौल में जाने की कगार में भी है, जो कि अगर हम लोग रेस्पॉन्ड करना शुरू करें। बात ये नहीं है, और मैं बार बार ये कहता हूं, बात ये नहीं है कि इस डेथ ने कितना मारा, ये नेचुरल विपदा है, हम कुछ नहीं कर सकते इन टर्म्स ऑफ डेथ, बट बात यह है कि क्या हम लोग मरते हुए लोगों को डिग्निटी दे पाए, क्या जब वो हेल्थ सिस्टम गए तो उनको ये पता चला कि नहीं देखिए साहब ऑक्सीजन जितनी थी उतनी तो मिल पाई, अब है नहीं, नहीं ऐसा नहीं था, हमारे पास अगर पैसे हो, हम अगर करप्ट लोगों को जानते हो, हम अगर जुगाड़ लगा सकते हैं, इंडिया में बड़ा अच्छा वर्ड समझा जाता है, तो आपके लिए अलग सिस्टम है, उनके लिए अलग सिस्टम है। ऐसे टाइम में जब इमरजेंसी इतनी बढ़ेगी कोई नहीं बचेगा, बिकॉज यही सिस्टम हमें हेल्प करती है। तो बार बार मैं ये कहूंगा कि डिनायल से बाहर आए, एक इस ट्रस्ट डेफिसिट को हमें खत्म करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका, बहुत सारे इम्पोर्टेंट इश्यूज पे हमने डॉक्टर नफीस फैजी सर से डिस्कशन किया। मैं ये तो नहीं कह सकता हूँ कि सारा डिस्कशन हमने कर दिया, क्योंकि सवाल बहुत सारे हैं। 70-75 सालों के उस सिस्टम को रैप अप करना 40-45 मिनट में हमारे लिए पॉसिबल नहीं था, लेकिन फिर भी सर ने जिस तरीके से सारे क्वेश्चन को टेकअप किया, हम बहुत शुक्रगुजार हैं आपके, और उम्मीद करते हैं कि हम जो क्वेश्चन बचे रह गए, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन थे जो कि फेसबुक या व्हाट्सएप के माध्यम से मेरे पास आए, शायद वो भी मैं नहीं कर पाया। सो आई रिक्वेस्ट अगेन फ्रॉम सर कि आने वाले टाइम में अगर उनके पास वक्त रहे तो वो फिर से एक वक्त हमें दे पाए। सो थैंक यू एवरीवन एंड स्टे ब्लेस्ड गाइस एंड कीप ऑन वॉचिंग अपॉन मी सर।